हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 11 से एनसीईआरटी की बुक से स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 6 और लेसन का नाम है इसका द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय अमिताव घोष जो कि इस चैप्टर में दो करेक्टर हैं शाहिद और अमिताव घोष। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड की कहानी लिखी है जो शाहिद नाम से था। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, और सभी लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही आंसर बना दिया गया है जिससे आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे इम्पोर्टेंट और उसके बाद हम इसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन जो इसके बनते हैं वो बन सकता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि इसके टाइटल को समझाइए, क्या इसका टाइटल सूटेबल है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसका, व्हाट इज मीन बाय डायस्पोरा, व्हाट डू यू लर्न अबाउट इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम द लेसन। मतलब इसमें डायस्पोरा एक वर्ड है जो कि बेसिकली इमिग्रांट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने वाले लोगों को बोला गया है। तो इस चैप्टर के अंदर इसे रिलेट करने के लिए इसे कहा है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शाहिद करैक्टर डू यू गैदर फ्रॉम द लेसन। मतलब शाहिद के क्या नए नए मतलब करैक्टर चरित्र उभरते, मतलब डिफरेंट काइंड के हैबिट या इंसान, डिफरेंट काइंड की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है इस चैप्टर में। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शाहिद डू यू गैदर फ्रॉम द पीस। मतलब क्या इम्प्रेशन उसका पड़ता है, मतलब क्या, मतलब दोनों सेम ही क्वेश्चन है एक तरह से, ये थर्ड और फोर्थ, कि किस तरीके का शाहिद की पर्सनैलिटी है इस चैप्टर के अंदर ये बताइए। तो स्टार्ट करते इसके आंसर को, बहुत ही अच्छे आंसर है इसके। लेट स्टार्ट। शाहिद अली वाज ए मल्टीफेस्ड पर्सनैलिटी एंड अपीयर्स टू बी सेंसिटिव सोल। He was born in Srinagar and had studied in Delhi. मतलब इस चैप्टर के अंदर शाहिद अली एक मल्टीफेस्ड पर्सनैलिटी बोले गए उसे, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सोल है। मतलब सेंसिटिव का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब उनकी उनका नेचर था। He was born in Srinagar, जो कि श्रीनगर में पैदा हुए थे और उनकी पढ़ाई जो हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। He has been described as a gregarious person who is very fond of throwing parties at his home in Brooklyn where he moved to in 1975. मतलब शाहिद को बहुत ही ज़्यादा ग्रीगेरियस, जो कि सोशल व्यक्ति बोला जाता, सामाजिक व्यक्ति के तौर पर माना जाता है इस चैप्टर में, मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी वो, जो कि ब्रुकलिन में सेटल हो गए थे 1975 में। ही वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर, उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी हो जाती है, कैंसर। ही हैज़ ए कीन टेस्ट फॉर फूड, मतलब वो खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। शाहिद वास वेरी पैट्रियोटिक एंड सेकुलर, वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त और एक धर्म निरपेक्ष, मतलब जो सभी धर्मों का आदर करते थे उस टाइप के वो इंसान थे। ही डज नॉट बिलीव इन बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय रिलीजन, वो किसी भी तरीके की ऐसी धार्मिक मतलब भेदभाव या ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे जो धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा करें। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के व्यक्ति थे। एज ए चाइल्ड ही हैड बिल्ड ए स्मॉल टेम्पल इन ए कॉर्नर ऑफ हिज हाउस। मतलब बचपन से ही उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया था जो कि उनके घर में एक कॉर्नर में था। His parents too supported him, और उनके घर वालों ने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद की इस चीज़ में। He migrated to America and served in various colleges and universities. मतलब वो migrate हो गए थे, मतलब इंडिया से अमेरिका के चले गए थे, मतलब उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों में भी पढ़ाया। शायद was a fine scholar एंड ब्रिलियंट टीचर, मतलब शायद बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे, और उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो पोइट्री था, मतलब वो कवि, मतलब पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा उनकी दिलचस्पी थी। हिज स्टूडेंट्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, मतलब उनके जो विद्यार्थी थे वो बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही ज़्यादा उन्हें आदर करते थे।
शायद वहाँ से प्रोफाउंड लवर ऑफ गुड पोएट्री म्यूजिक क्लोथ्स एंड फूड, मतलब जो शायद जो थे बहुत ही ज़्यादा लवर थे पोएट्री के, म्यूजिक के, जो बॉलीवुड जो क्लासिक म्यूजिक होते थे पुराने टाइप के इस चैप्टर में, और क्लोथ्स कपड़े पहनने का और खाने का उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ कश्मीर एंड वॉज हर्ट बाय द माउंटिंग वायलेंस इन द वैले, मतलब वो कश्मीर के से बहुत ही ज़्यादा लगाव करते थे क्योंकि उनका जो रूट था, जो फैमिली का बैकग्राउंड था, वो कश्मीर से था, जिनकी स्टडी हुई थी दिल्ली में आकर और बाद में वो अमेरिका माइग्रेंट हो गए, लेकिन उनका जो खास लगाव था कश्मीर के प्रति था और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते थे जब उन्हें वहाँ की हिंसा की खबरें मिलती थी। थो ही वॉज नॉट ए पॉलिटिकल पोएट, हिज फाइनेस्ट वर्क रिलेट्स टू राइटिंग अबाउट कश्मीर, मतलब हालांकि वो पॉलिटिकल पोएट मतलब वो राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन उनकी जो राइटिंग थी कश्मीर के बारे में वो बहुत ही अच्छा लिखते थे। शायद आउटलुक वास एकुमेनिकल, मतलब उनका जो आउटलुक था वो बहुत ही अच्छा था, हटके था बिल्कुल। ही डिड नॉट बिलीव इन मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजन, वो विश्वास नहीं करते थे राजनीति और धर्म को बिल्कुल नहीं मिलाते थे, वो दोनों में एक गैप बना के अलग तरह से चलते थे। ही नेवर लॉस्ट द करेज इन द फेस ऑफ मिसफॉर्चून, मतलब जब उनकी जिंदगी में बुरा टाइम आया तो उन्होंने बिल्कुल भी साहस को नहीं छोड़ा। इवन ड्रेडफुल डिजीज ऑफ कैंसर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट, और तो और जो सबसे भयानक बीमारी थी जो कैंसर जो लाइलाज थी, उन्होंने भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाई, मतलब वो बीमारी भी उन्हें अंदर से नहीं तोड़ पाई। ही रिफ्यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ द व्हील चेयर इन द हॉस्पिटल, और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर भी व्हील चेयर लेने से मना कर दिया था। अमिताभ घोष केम इन टच विद हिम ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन ईयर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू टू देयर कॉमन लव फॉर पोएट्री, मतलब अमिताभ घोष जो इस चैप्टर के राइटर है वो उनकी मुलाकात हुई थी शायद से ग्रेजुएशन के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बोथ ऑफ देम क्रॉस पाथ्स अगेन व्हेन अमिताभ टू माइग्रेट्स टू अमेरिका, मतलब दोनों एक बार फिर से उनका रास्ता मिलता है जब अमिताभ भी अमेरिका में शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले से वहाँ पर शायद तो थे ही वहाँ पर, और अमिताभ घोष भी जब अमेरिका में शिफ्ट हो गए तो एक बार दोबारा से उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई। दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स ओविंग टू शेयर लव ऑफ कश्मीरी फूड रोगन जोश ओल्ड बॉलीवुड मूवीज एंड पोएट्री, मतलब दोनों ही अच्छे दोस्त बनते चले गए क्योंकि उनका कॉमन लव था कश्मीरी फूड के प्रति और बॉलीवुड मूवी पोएट्री जो दोनों की बिल्कुल कॉमन रहती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ आते चले गए। ही गॉट स्केयर्ड व्हेन ही फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही वाज डाइंग, वो पहली बार जब उन्हें पता लगा कि उनकी मौत होने वाली तो वो बिल्कुल ही डर गए थे। सून इट इज डिस्कवर्ड दैट ही सफरिंग फ्रॉम ए मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, मतलब उन्हें पता लगा कि उन्हें बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है जिसे ब्रेन ट्यूमर जो कि दिमागी कैंसर था। ही फोर्स टू अमिताभ घोष इन ए क्लियर वॉइस टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसने उन्होंने शायद ने अमिताभ घोष को उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी के बारे में कुछ लिखने के लिए फोर्स किया, एंड अमिताभ घोष हैड टू प्रॉमिस, और अमिताभ घोष को उनका प्रॉमिस मानना पड़ा। फ्रॉम दैट डे द राइटर स्टार्टेड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कन्वर्सेशंस एंड मीटिंग ही हैड विद शाहिद, और उस दिन के बाद अमिताभ घोष ने सारी की सारी उनकी बातें रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी जो कि कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी एंड मीटिंग ही हैड विद शाहिद। दिस रिकॉर्ड हेल्प्ड हिम टू फुलफिल हिज प्रोमिस, और इसी रिकॉर्ड ने उनकी स्टोरी लिखने में बहुत ज़्यादा मदद की। एंड फाइनली ही सरेंडर्स बिफोर द डिजीज आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर सेवरल मंथ्स, और फाइनली एक दिन ऐसा है जिस दिन शाहिद ने सरेंडर कर दिया मौत के आगे। और इस चैप्टर के अंदर एक और बात बोली गई है डायस्पोरा, द वर्ड डायस्पोरा मीन्स ऑफ एन ओरिजिनली होमोजीनियस एंटिटी सच ए लैंग्वेज और कल्चर इंडियन डायस्पोरा बिकम्स मोर प्रोमिनेंट इन घोष राइटिंग्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट वी कम टू नो दैट ए नंबर ऑफ इंडियंस हैव सेटल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। डायस्पोरा मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं और वो कहीं और पर जाकर बस जाते हैं,
और वो वहीं का ही कल्चर हो जाता है उनका, लेकिन वो अपनी जमीन को नहीं भूल पाते। तो इस वर्ड का मतलब यही बोला गया यहाँ पे, डायस्पोरा। तो बच्चों जैसा कि स्टोरी में दिया है, स्टोरी इस चैप्टर की बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो अलग अलग इंसान हैं, एक का नाम है शाहिद और दूसरे का नाम है अमिताभ घोष, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं। दोनों के दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ ये होती है, दोनों ही एक राइटर होते हैं और दोनों का सेम ही प्रोफेशन होता है और दोनों की काफ़ी सारी हैबिट बिल्कुल सेम होती है। और ये दोनों के दोनों शुरुआत में तो नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही मिलते दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और साथ में ये दोनों रहने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। जो शाहिद है वो एक तरह से डायस्पोरा हम कह सकते हैं उन्हें, जो कि है तो ये इंडियन ओरिजिन से है, लेकिन ये चले गए कहाँ से, ये अमेरिका में जाके बस गए और ये वहाँ पर। और ये जो अमिताव घोष है ये भी दूसरे राइटर हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो शुरुआत में दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। और लेकिन कुछ समय के बाद शाहिद को पता लगता है कि उसे एक बीमारी है, जो कि बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो कैंसर से वो पीड़ित है। और जब वह शाहिद से मिलता है और शाहिद अमिताव घोष से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसके मरने के बाद उसके बारे में कुछ जरूर उसके बारे में कुछ लिखे अपनी बुक के अंदर, तो यही इस चैप्टर की थीम है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो बच्चों वैसे तो ये चैप्टर में बहुत ही काफ़ी बातें हैं, बहुत ही सारी बातें जो बताने लायक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतने कम टाइम में इस चैप्टर को करना पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं जो कि सारा चैप्टर को कनेक्ट करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।